हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए फिर से सुबह सुबह। तो देखो सीन क्या है, आज हम इक्विलिब्रियम का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? पहले वाले में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप का होता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम, और दूसरे में हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लॉ ऑफ मास एक्शन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अगर इक्विलिब्रियम से कहीं से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं तो वो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसके ऊपर इफेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो वो क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, इसे सब वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। तो अब सवाल है कि अगर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ें और सोचें कि पढ़ना क्यों है, अगेन मेरी क्लास में ये चीज सोचना बिल्कुल जरूरी है कि पढ़ना क्यों है। ऐसा नहीं कि तुम आ गए, मैं आ गया, चलो सर 1 घंटा पास करना है, सर चलो पढ़ लेते हैं, आप पढ़ाओ सर, हम देखते हैं क्या है, ऐसा कुछ नहीं। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ना क्यों है? देखो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमने पढ़ा है, अगर किसी भी रिएक्शन की बात करें तो उस रिएक्शन की सबसे स्टेबल स्टेट होती है इक्विलिब्रियम। मानते हो दुनिया की सबसे स्टेबल स्टेट क्या कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं लिख दूं कि मैं आपसे इस समय करेंटली इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे बोलूंगा वो रिएक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट पे इस समय बैठी हुई है। क्या है वो रिएक्शन? इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट पे बैठी हुई है। अब एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ में कभी स्टेबल हो जाओ, ठीक है, या फिर जैसे बोले पॉलिटिकल बात करते हैं थोड़ी, ठीक है, चुनाव वुनाव आ ही रहे हैं यूपी यूपी पंजाब में, तो थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटिकल। जैसे नेताओं को अपनी कुर्सी बहुत पसंद होती है, होती है नहीं पसंद होती है, वो सोचते हैं कि उस कुर्सी में बैठ गए तो वो पावर मिल गई है कि कुछ पूछो नहीं, मजा ही आ गया, और दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल हम ही है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, सोचते हैं ऑलमोस्ट सारे नेता ये सोचते हैं। अब सीन क्या होता है कि अगर कोई बंदा उस नेता की कुर्सी छीनने की कोशिश करेगा तो क्या वो नेता उस कुर्सी को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो हर वो मेहनत करेगा, वो हर कोशिश करेगा जिससे वो कुर्सी उससे ना छूटे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। तो सेम विद एवरीथिंग, सेम विद एवरीथिंग, कि दुनिया में अगर कोई बंदा स्टेबल है और आप उसकी स्टेबिलिटी छीनने की कोशिश करोगे तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी स्टेबिलिटी कोई ना बिगाड़ पाए। सेम थिंग हैपेंस इन केमिस्ट्री ऑल्सो, कि अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा स्टेबल है, और दुनिया की सबसे ज्यादा स्टेबल रिएक्शन कब होती है? जब वो इक्विलिब्रियम में है, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्टेबिलिटी उसको मिली हुई है, और कोई बंदा आए और उसकी स्टेबिलिटी छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो बंदा या वो केमिकल रिएक्शन पूरी कोशिश करेगी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यहां पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पे कोई आया, आपकी जेब में भी 1,000 रुपए पड़े थे, और आपकी जेब से अगर वो 200 रुपए छीन के ले गया, तो आप क्या करोगे अपने आप को वापस स्टेबल करने के लिए? आप वापस से 200 रुपए छीनने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली आप हमेशा एक अपोजिट इंपैक्ट डालोगे उस चीज पे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। तो सेम यहां पे भी क्या हो रहा है, यही चीज इक्विलिब्रियम में भी होती है। अब इक्विलिब्रियम में सीन क्या है, अगर हम थोड़ा अपने आप को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम में सीन क्या है, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा स्टेबल ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, मानते हो स्टेबल क्या हो गई है, हो गई है, अब अगर इसकी कोई स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन हमेशा इसको नलीफाई करने की, इस डिस्टर्बेंस को नलीफाई करने की कोशिश करेगी। इस कोशिश के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो चीज ली चैटलियर प्रिंसिपल में कवर की जाएगी। अब समझने वाली बात यह है, केमिस्ट्री में आप किसी भी चीज को 4 चीजों से परेशान कर सकते हो। क्या है वो 4 चीजें? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 2 चीजें मैं और साइड में लिख देता हूं, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस एंड कैटलिस्ट, ये भी लिख देता हूं मैं।
मैंने कहा भाई टोटल अगर बात करें तो छह चीजें हैं केमिस्ट्री में जो कि किसी चीज को अगर परेशान करना है या डिस्टर्ब करना है तो इन छह चीजों का यूज करो। अब याद रखना इन छह चीजों में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है कौन सा, टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट का अगर आप किसी को सबसे ज्यादा प्रिफरेंस दोगे या कोई चीज दूसरों से ज्यादा कोई इंपैक्ट डालता है तो वो चीज है टेम्परेचर, ठीक है। वो हम अभी देखेंगे कैसे दिखाता है। तो बेसिकली सेम चीज यहां पे होती है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इनर्ट गैस, जो कैटलिस्ट, ये अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप डालोगे या हटाओगे तो उस इक्विलिब्रियम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वही हमें देखना है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहली चीज समझो, सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज कि मान लो एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मस्त बैठी हुई है, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मस्त बैठी हुई है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है आप पुराने वाले फैक्टर्स कितने भी लगा लो, कितने भी लगा लो पुराने वाले फैक्टर्स, आप इस इक्विलिब्रियम को तोड़ नहीं पाओगे या इस इक्विलिब्रियम स्टेट को खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाई चांस अगर खत्म हो गया इक्विलिब्रियम स्टेज तो जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये किसी काम का नहीं रह गया। तो आपको पहली कंडीशन मान के क्या चलनी है कि जब भी इक्विलिब्रियम कहीं पे अटेंड होगा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट टूटेगी नहीं। इसको ना टूटने देने के लिए हमें जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो सारे के सारे स्टेप्स किसमें कवर होंगे, हमारे इस ली चैटलियर्स वाले टॉपिक में कवर होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसमें अगर कवर होंगे तो इसमें हमारे अभी हमने जस्ट पढ़ लिया कौन से पांच छह स्टेप्स कवर होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर, उससे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कैटलिस्ट एंड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस ये सारी की सारी हमें क्या करनी है, कवर करनी है। अब एक चीज और है, अगर हम किसको वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं तो इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म निकल के आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, या मोलैरिटी को ही हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इसको भी देख लेंगे। तो कौन कौन से हमें देखने हैं, हमें देखने हैं बड़ी एक तो कंसंट्रेशन को हमें कौन कौन देखने हैं एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो हमें देखना है कंसंट्रेशन को, दूसरा हमें देखना है टेम्परेचर को, फिर हमें देखना है प्रेशर को, फिर हमें देखना है वॉल्यूम को, फिर हमें देखना है नंबर ऑफ मोल्स को, और फिर हमें देखना है कैटलिस्ट को, और फिर हमें देखना है इनर्ट गैस को। तो टेक्निकली ये सात सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूं, बस 20 मिनट रुक जाओ, 20 मिनट में मैं आपको ऐसी ऐसी बता दूंगा कि आपको आज के बाद ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में कभी दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। आपको कह रहे हो सर ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आ जाओ जल्दी से आओ, हाथ बात ऊपर कर लो, ठीक है, बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ। सबसे पहली चीज अगर पेज पलटे हो, सबसे पहली चीज मैं लिखूंगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या बोलूंगा मैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, क्या बोलूंगा मैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन कोई नहीं बोलेगा, कंसंट्रेशन नहीं आता, अगर कोई बोला ना मतलब मेरी डिवाइस बन रहा है, बस जैसी डिवाइस बनेगा मैं उस तरफ आऊंगा और मस्त थप्पड़ दूंगा खींच के। पहले चैप्टर में कंसंट्रेशन बहुत ध्यान से पढ़ा था, सबको पता है। तो जैसे मैं आपकी एक फेवरेट रिएक्शन लिखता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं फेवरेट रिएक्शन सबकी है, पता है, N2+H2 गिव्स अस, अब इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम साइन लगाना पड़ेगा, NH3 सबको। अरे भाई तो मेरे को इतने फोन आते हैं ना, मैं क्या बताऊं, परेशान हो गया। आप गलत सोच रहे हैं, जहां सोच रहे हैं जिनके फोन आते हैं उनके फोन नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल वाले फोन आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लग दूं, इसको बैलेंस कर दूं, तो इसको 3 कर दूं और इसको 2 कर दूं, हमारी ये हो गई बैलेंसिंग। हमने कहा चलो मान लेते हैं तीनों गैसेज हैं, हमने कहा चलो ये तीनों हमारी क्या हो गई, ये तीनों हमारी गैसेज हो गई। हमने कहा ठीक भाई सर बात समझ में आ गई जो आपने यहाँ पे बोला। अब हमने बोला सबसे पहला अगर केस ले, केस वन में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे सबसे पहले किसी ने हमारे इक्विलिब्रियम का क्या कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब उसमें वो देखो तीन चीजें हैं, तीन चीजों का कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है, या तो वो N2 का बढ़ाएगा, या तो वो H2 का बढ़ाएगा, या तो वो NH3 का बढ़ाएगा,
इन तीनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। ये बात समझ में आ गई, पक्की बात। अगर आपको कंसंट्रेशन समझ में नहीं आ रहा है तो अभी जस्ट अगली क्लास 10:30 बजे से मेरी है लाइव क्लास है, ठीक है, 10:30 बजे से, उसमें आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत डेप्थ में सॉल्यूशन चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आ जाना, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले वीडियो को देख लेना। पर अभी समझो, मान लो H2N2 और NH3 है, तीन चीजें हैं, हम तीनों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, किसी को भी बढ़ा सकते हैं, किसी को घटा सकते हैं। कहने का मतलब एक कंटेनर है इस तरीके का, उस कंटेनर में ये तीनों चीजें पड़ी हुई हैं। क्या क्या पड़ा हुआ है हमारा, N2 पड़ा है, H2 पड़ा है और NH3 पड़ा है। अब हम चाहें तो ऊपर से इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, हम चाहे H2 डालें, N2 डालें, NH3 डालें। तो इस कंटेनर में जो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इस रिएक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, यही चीज हमें देखनी है। तो मैंने कहा कि भाई देखो, केस वन में एक सिंपल सी बात करते हैं, हम बोलते हैं हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। कंसंट्रेशन का क्या होता है, ये साइन होता है। हमने कहा भाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इंक्रीज्ड, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, इसका मतलब हुआ हमने यहां से इस कंटेनर में क्या डाला है, हमने इस कंटेनर में N2 डाला है। ध्यान समझना, अब एक चीज सोचो ध्यान से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास बम है, ठीक है, मैंने बम मस्त दिया और तुमको तुम्हारी तरफ दे मारा। अब एक चीज सोचो, मैंने तो बम तुम्हारी तरफ फेंका है तो तुम क्या करोगे, तुम तुरंत उस बम को वापस उठाओगे और मेरी तरफ फेंक दोगे। यही तो करते हैं, मूवीज देखा है ना, मस्त बॉल पकड़ बम पकड़ते हैं और दूसरे फेंक देते हैं। तो सिंपल चीज क्या है, जब कोई चीज तुम्हारी तरफ फेंकेगा तुम्हें उस चीज को वापस उसकी तरफ फेंकना है। बस ली चैटलियस प्रिंसिपल में यही कॉन्सेप्ट लगता है क्या। फिर दूसरा एग्जांपल भी समझ लो, फिर और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारी प्लेट में फॉर एग्जाम्पल चार गोलगप्पे रखे हुए हैं, चार गोलगप्पे, हाय हाय गोलगप्पे की बात आ गई बीच में, तुम्हारी प्लेट में चार गोलगप्पे रखे हैं। अब एक चीज मानो, पापा घर में 30 गोलगप्पे लेकर आए थे और कहा था पूरी फैमिली खाएगी, फैमिली मान लो 5 लोग थे, 5 लोग खाएंगे, तुम्हारे 4 गोलगप्पे बनते थे, तुम्हें अपनी प्लेट पे रखे हुए हैं, ठीक है, तुम्हें तैयार कर रहे हो सब आ जाए फिर साथ में खाएंगे। तुम्हारा भाई इतना नालायक कि वो आया तुम्हारी प्लेट में 5वां गोलगप्पा रख गया कि पापा देखेंगे कि इसके 5वां एक एक्स्ट्रा है तो पापा इसको मस्त कूटेंगे। तो तुम क्या करोगे, तुम जल्दी से ये दिखाने के लिए नहीं मेरे प्लेट में 5 नहीं है, एक उठाए खा लोगे। उसने देखा तुमने एक खाया है, वो एक और लाके प्लेट पे रख देगा, तुम उसको उठाए खा लोगे। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम किस स्टेज पे अटेंड है। जब तुम्हारे प्लेट में 4 गोलगप्पे हैं तभी तुम स्टेबल हो, अगर 5वां गोलगप्पा आया तो तुम अनस्टेबल हो जाओगे, पापा थप्पड़ देंगे कि तुमने दूसरे गोलगप्पे भी खाए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, पापा से बचने के लिए तुम्हारा भाई उस प्लेट में इतने गोलगप्पे देके जा रहा है, तुम्हें वो सारे गोलगप्पे कंज्यूम करने हैं, ठीक है, सोचो ध्यान से, वो क्या करने हैं, कंज्यूम करने हैं, मतलब तुम्हें उन्हें खा लेना है। सेम वैसे ही अगर इस रिएक्शन को देखो तो यहां पे अगर हमने कंसंट्रेशन किसका बढ़ाया, ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन हमने अगर N2 का बढ़ाया कंसंट्रेशन, तो तुम्हें बेसिकली अगर मैं बोल दूं ये मेरा बडी है, बडी ने क्या किया, बडी ने कंसंट्रेशन बढ़ाया N2 का, तो सर क्या करेंगे, ठीक है, या रिएक्शन क्या करेगी, सर क्या करेगी, रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन को वो घटाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगी, N2 का रिएक्शन घटाएगी। अब यहां पे घटाने का मतलब ये नहीं है कि तुमने कंटेनर में ऊपर से N2 डाला तो कंटेनर अंदर से वापस N2 तुम्हारी तरफ फेंक देगी, ऐसा नहीं होगा। कंटेनर में क्या होगा, जब तुम N2 डालोगे तो N2 कैसे गया, N2 गया एज ए रिएक्टेंट, कैसे गया, रिएक्टेंट। तो अगर इसको खत्म करना है तो इसको क्या कर दो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, प्रोडक्ट में। जैसे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, जैसे ही कन्वर्ट करोगे ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोचो क्या तुम्हें N2 दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्यों, N2 तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, NH3 में आपने N2 को कन्वर्ट कर दिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, ठीक है। तो सेम एक चीज सोचो, आओ नेक्स्ट पेज पे सोचो कि अगर N2 बढ़ा था तो N2 को कंज्यूम करने के लिए रिएक्शन किधर की तरफ तेजी से भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी क्या करना है, N2 को कंज्यूम करना है।
तो जाहिर सी बात है मैं यहां क्या बोलूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर रेट ऑफ अगर फॉरवर्ड इंक्रीज हुआ है तो रेट ऑफ बैकवर्ड भी इंक्रीज होगी। बिल्कुल, क्योंकि इक्विलिब्रियम की अगर कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो आप बोल रहे हो सर आप अकेले केवल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों बोल रहे हो? ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में इंपैक्ट स्टार्टिंग में डला कहां से? फॉरवर्ड रिएक्शन से। फॉरवर्ड बढ़ी तभी तो बैकवर्ड बढ़ी, तो एक्चुअल इल्जाम किस पे जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में। एक बहुत ही बकवास सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बड़े ही बकवास सा है, ठीक है, सुनना। इजी बताओ, आप इतने गोलगप्पे खा रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्रेश होने भी तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, इतने गोलगप्पे खाओगे तो फ्रेश होने जाना पड़ेगा। तो मैं ये क्यों बोल ये बोलूंगा क्या तुम फ्रेश हो रहे हो ये तुम्हारी गलती है? नहीं, क्योंकि तुमने रिएक्शन क्या की थी, गोलगप्पे ज्यादा खाए थे इसलिए तुम फ्रेश होने ज्यादा गए थे। ठीक है, फ्रेश होने जाना था इसलिए तुमने गोलगप्पे ज्यादा नहीं खाए। ये किसी की हॉबी थोड़ा ना है कि भाई मेरे को आज 5 बार फ्रेश होना है। किसी की हॉबी है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर मेरी हॉबी है कि मुझे फ्रेश होने जाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो कोई ये नहीं बोलता है कि भाई आज मेरे को ना 5 बार फ्रेश होना है तो मैं गोलगप्पे ज्यादा खाऊंगा। लोग क्या बोलते हैं? यार आज गोलगप्पे ज्यादा खा लिए इसलिए फ्रेश होने गया हूं। तो एक्चुअल में इंपैक्ट कहां पड़ा? कि तुमने गोलगप्पे खाए हैं उसका प्रोडक्ट क्या है? तुम फ्रेश होने गए हो। ऐसे ही तुम्हें एंटो कंज्यूम करना था, पर इसका इंपैक्ट क्या था? कि NH3 बढ़ गया, और NH3 बढ़ा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। पर यहां हमें बैकवर्ड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किसने रिएक्शन की रेट बढ़ाई। तो आप बोलोगे सर N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, उसको कंज्यूम करना था इसलिए रेट ऑफ बैक फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो गई और उसको NH3 में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे जब भी केस 1 में हमारा क्या होगा? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगी। और जाहिर सी बात है उल्टा क्या होगा? अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए उसको किसमें कन्वर्ट कर दो? रिएक्टेंट में, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम समझें तो सिंपल सी चीज है, अगर हमारा रिएक्टेंट बढ़ा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट बढ़ा, प्रोडक्ट क्या कंसंट्रेशन किसी ने बढ़ाया, किसी ने कंटेनर में NH3 जार डाल दिया, तब हमारा क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। बताओ बिल्कुल इजी है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना था, उसको टूटने नहीं देना था। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? बताओ किसी को कोई डाउट हो तो याद रखना, जब भी रिएक्टेंट बढ़ाया जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, और जब भी प्रोडक्ट बढ़ाया जाए बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। मतलब क्या बढ़ेगी? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। क्लियर? ऑल क्लियर? मुझे लगता है किसी को कोई डाउट है। ठीक है, डाउट हो तो तुरंत कमेंट्स में पूछ लेना, पक्का ना? क्लियर एकदम? ठीक है भाई, लाइक्स नहीं किए होंगे अभी तक तुमने, अटेंडेंस लगाते नहीं, सर पसंद ही नहीं है, सर यहाँ गोलगप्पे पे गोलगप्पे खिला रहे हैं और तुम्हें पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे यार, ठीक है भाई, गोलगप्पे वन ऑफ द दुनिया के, मैं बोलूंगा ना दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो गोलगप्पों में है। गोलगप्पे इज लाइक बेस्ट। ठीक है, मतलब मेरा तो फेवरेट है भाई। ठीक है, तुम भी बता देना कमेंट में लिखे किस किस के फेवरेट है, देखें। ठीक है, अब कोई जज नहीं करेगा सर गोलगप्पे लड़कियां खाते हैं। एक दोस्त बोल रहा है भाई गोलगप्पे कौन खाता है, ये तो लड़कियां खाती हैं। मैंने कहा भाई तुम अब अलग लेवल पे जाओ, तुमसे मतलब ही नहीं है, हमें तो गोलगप्पे ज्यादा प्यार है, इसके हम तुमको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अब हमने कंसंट्रेशन को पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देखते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेजोरिटी लोगों को मैंने देखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ही दिक्कत होती है। मेजोरिटी ऑफ लोगों को मैंने देखा है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में, बच्चे सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अब देखो टेम्परेचर सबसे इजी है, ध्यान रखना। देखो कैसे टेम्परेचर किसी सिस्टम का बढ़ाओ हुए, दो तरीके की चीजें होती हैं।
या तो सिस्टम एंडोथर्मिक होगा, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट, या एक्सोथर्मिक होगा। हमने कहा सिस्टम या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो सिस्टम हमारा एंडोथर्मिक होगा, हमने कहा ठीक है भाई मान लिया। अब सबको पता है एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सो में ई एक्स आ रहा है मतलब एग्जिट, और एंडो में ई डी आ रहा है इसका मतलब एंट्री। तो एक चीज समझो, अगर हीट एग्जिट करेगी तो इसका क्या मतलब है, हीट रिलीज रिएक्शन से हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है, मतलब रिएक्शन से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हमने कहा बात सही है सर, और बताइए। हमने कहा यहां क्या हो रही है, सिस्टम में हीट गेन हो रही है। हमने कहा सर बिल्कुल सिस्टम में हीट गेन हो रही है क्योंकि हीट एंटर कर रही है। हमने कहा यह बात सबको पता है, तो इसका मतलब हमने कहा जब भी कोई चीज एग्जिट करेगी तो वो किधर की साइड होगी, रिएक्टेंट की साइड होगी या प्रोडक्ट साइड होगी। ध्यान सोचो, अगर कोई चीज एग्जिट कर रही है तो वो हमेशा रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड होगी। हमने कहा सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जब भी कोई चीज रिएक्शन में आती है तो किधर की तरफ आती है, वो रिएक्टेंट साइड आती है। बताओ इस चीज में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं ना, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है मैं अपना उपाय छोटा कर लूं। मैंने कहा देखो एक रिएक्शन लिखते हैं, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस हीट प्रोडक्ट साइड में, और अगर इधर लिखोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस हीट गिव्स यू सी। बोलो ये सी सबको क्लियर है कि नहीं है। तो ये देखो सब कुछ देखो, ध्यान से देखो, पक्की बात। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब ये है कि जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिस्टम में हीट किधर की तरफ बढ़ेगी, सिस्टम में हीट बढ़ेगी किधर की तरफ, देखो यहां पे देख लो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, दैट इज हीट किधर की तरफ बढ़ेगी, हीट हमारी प्रोडक्ट की साइड में बढ़ेगी। और इधर हीट बढ़ाओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हमारी हीट है वो किधर की साइड बढ़ेगी, वो हमारी हीट रिएक्टेंट की साइड बढ़ेगी। तो एक चीज सोचो, हमारी यहां पे हीट प्रोडक्ट साइड बढ़ी है, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट में किसी ने हीट बढ़ा दिया, बहुत कॉमन सेंस, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, अगेन प्लेट में हीट ज्यादा आ गई, कंज्यूम करना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट में कोई चीज कंज्यूम करनी होती है तो किधर की तरफ भागते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में, किधर की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। भाई बहुत सॉर्टेड लीड चेकलिस्ट प्रिंसिपल, बहुत सिंपल। क्या अगर रिएक्टेंट को कुछ कंज्यूम करना होगा तो वो प्रोडक्ट की साइड भागेगा, और अगर प्रोडक्ट को कुछ कंज्यूम करना होगा तो हमेशा रिएक्टेंट की साइड भागेगा। तो एक्सोथर्मिक में हीट कहां पे है, प्रोडक्ट की साइड में। तो प्रोडक्ट कितनी तरफ भागेगा, प्रोडक्ट भागेगा रिएक्टेंट की तरफ, और ये वाली रिएक्शन हमेशा क्या कहलाती है, बैकवर्ड। बोलो पक्का, ये वाली क्या कहलाती है, बैकवर्ड। हमने कहा ठीक, हमने कहा रिएक्ट, अगर रिएक्टेंट में हीट है इसको कंज्यूम करना है तो रिएक्टेंट वाली हीट हमेशा किधर भागती है, प्रोडक्ट की तरफ कंज्यूम करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। तो यहां पे अपना क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाए हो या घटाए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना यह है कि सिस्टम हमारा अगर एक्सोथर्मिक है तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुम एंडो को देखो तो अगर कोई चीज एंडोथर्मिक है तो हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्की बात बताओ, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। और ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, किसका, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, यहां पे हमें फुल एंड फाइनल क्लियर हो गया, पक्का सबको समझ में आ गया, इजी पीजी, ठीक है। तो अगर वो रिएक्टेंट साइड क्या बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए, तुम्हारा समझ लो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है रेट ऑफ फॉरवर्ड तेज कर दो, अगर वो एक्सोथर्मिक है तो मतलब प्रोडक्ट साइड है, रेट ऑफ बैकवर्ड तेज कर दो। बताओ ये चीज सबको समझ में आई, बहुत ईजी था, ठीक है। हमने सर समझ में आ गया, सर चकाचक सब।
सर चक्का सर आप वापस आ जाओ, डाउन टू अर्थ। हमने चलो आ गए। अब हमने बोला कि अब हमारा क्या बच रहा है, हमने बोला अब हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम देख लेते हैं। हमने कहा ठीक है भाई आ जाओ। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम देखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर को। फॉर प्रेशर, प्रेशर के लिए अगर देखना है तो सबसे बेस्ट हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी याद करो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर इसमें मान लें वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट है, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बनेगी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। हमने कहा बिल्कुल, हमने कहा अगर पी बढ़ा तो साथ में क्या बढ़ेगा, एन भी बढ़ेगा। हमने कहा बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल सीधी बात है। हमने कहा अगर ऐसा है तो एक रिएक्शन ले लो। हमने कहा भाई ले लो, अब तुम मानोगे तो है नहीं, ले लो एक रिएक्शन। हमने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा एग्जाम्पल फिर वही हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स अस टू एन एच थ्री। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा मान लो जाहिर सी बात है इसके आगे वन है, तो मां कहते हैं हम बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है, वन मोल है, ये हमारा थ्री मोल है और ये हमारा टू मोल है। हमने कहा बहुत सही सर, चकाचक मजा आ गया। हमने कहा मजा आ गया तो एक चीज बताओ, लास्ट क्लास में डेल्टा एनजी शब्द का प्रयोग किए थे, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने कहा ठीक, हमने कहा प्रोडक्ट में कितने हैं, दो माइनस थ्री प्लस वन। हमने कहा सही है, हमने कितना आया, हमने कहा ये आया हमारा माइनस टू। क्या आया, माइनस टू। मतलब अगर तुम रिएक्शन रिएक्टेंट की साइड देखो तो टोटल कितने मोल है तुम्हारे, यहां पे चेक करो, वन प्लस थ्री टोटल चार है। प्रोडक्ट साइड देखोगे तो कितने हैं, दो। तो एक चीज सोचो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते हुए हमारे नंबर ऑफ मोल्स यहां पे क्या हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे यहां पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो एक चीज सोचो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज होगा। बोलो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक चीज बताओ, प्रेशर डिक्रीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रेशर डिक्रीज होगा तो सिस्टम क्या करना चाहेगा, सिस्टम चाहेगा, ये तो तुमने किया, ये तो हो रहा है, तो सिस्टम क्या करना चाहेगा, सिस्टम प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगा। प्रेशर इंक्रीज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने के लिए रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए, किसकी क्वांटिटी में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी में, क्योंकि प्रोडक्ट में तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी डेल्टा एन जी डिक्रीज हो रहा होगा उस टाइम पे उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इस केस में हमें किधर से किधर जाना है, जब भी अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाना पड़ेगा। दैट मींस हमारी जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और अगर डेल्टा एनजी हमारा बढ़ रहा होता, डेल्टा एनजी अगर हमारा बढ़ रहा होता, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, कोई हमारा प्रेशर बढ़ा रहा है तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करते, उस रिएक्शन में जाते, क्या होता, तब हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते। अगर मैं सिंपल सी बात पीछे लिख दूं जिससे आपको सब समझ में आ जाए, तो एक सिंपल स्टेटमेंट लिख लो, इफ प्रेशर इंक्रीजेस दैट इज एन इंक्रीजेस सो सिस्टम विल डिक्रीज, सो सिस्टम विल डिक्रीज प्रेशर बाई डिक्रीजिंग एन। बताओ समझ में आया, अगर हमें क्या करना है, एन डिक्रीज करना है, तो उस केस में सो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। बताओ
बात समझ में आ गई। और आपको पता है अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन, बैकवर्ड रेट ऑफ डायरेक्शन हमेशा बढ़ेगी, तो बैकवर्ड की तरफ हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इसका उल्टा क्या होगा, सबको पता है इसी स्टेटमेंट को, अगर देखो अगर पी घटेगा और एन घटेगा तो सिस्टम को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और क्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। उस टाइम पे जो सिस्टम है वो कहां से जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन चली जाएगी। अगर लिखना चाहो तो लिख देते हैं, वैसे इसमें कुछ था नहीं, आप लिख सकते हो पी घटा एन घटा, तो सिस्टम ने क्या, प्रेशर घटा एन घटा, तो सिस्टम में जो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो किधर से किधर मूव करेगी, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब ये चीज क्या कहलाती है, हमारी फॉरवर्ड, हमारा तेज हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी तेज हो जाएगी। बताओ कितना इजी है, कितना इजी है। अब आप सोचोगे सर पी और एन का क्या है, भाई जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही तो जाके धड़ाधड़ दीवारों में टकराएंगे इधर उधर, और ज्यादा जितना ज्यादा वो दीवारों में टकराएंगे उतना प्रेशर बनाएंगे, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कहां पड़े थे, कहां पड़े थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे आप, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई हमने सर, क्लियर। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत इजी फॉर वॉल्यूम, बहुत इजी है, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अगेन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, हमने कहा ठीक। अब एक चीज सोचो, पीवी को अगर मैं कर दूं तो इक्वल्स टू के कर दूं, अगर सब कांस्टेंट है तो मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे कर दूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो एक चीज सोचो, आप पीछे आप क्या कर चुके हो, पीछे आप सब कुछ प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जो आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा है वो ही क्या कर दो, आप वॉल्यूम के बिल्कुल अपोजिट कर दो। क्या, अगर प्रेशर जैसे बढ़ता था, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता था तो रिएक्शन किधर से जाती थी, देखो इधर प्रेशर बढ़ता था, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते थे तो रिएक्शन जाती थी बैकवर्ड। तो जाहिर सी बात है अगर वॉल्यूम होगा इस केस में तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड, अपोजिट कर दो एकदम। बताओ सबको समझ में आया, तो मैं यहां पर लिख दूं कि अगर हमारा प्रेशर बढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर उसका उल्टा कर दो, अगर हमारा प्रेशर घटा, नंबर ऑफ मोल्स घटे तो वॉल्यूम हमारा क्या है, बढ़ जाएगा। बिल्कुल इजी पीजी, मतलब आपको याद ही नहीं रखना है। देखो अब बिल्कुल समझो, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, अभी तक समराइज कर दे, ठीक है, अभी तक समराइज कर दे तो क्या होगा। पेन वेन छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, हाथ को छोड़ो, फ्री रहो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। सबसे पहले कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या था, मेरी प्लेट में गोलगप्पे जाता है, मुझे पापा से बचना था, मैंने गोलगप्पे खा लिए, इसका मतलब मैंने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कंज्यूम कर दिया, हो गया। प्रोडक्ट तो चलो बाद में निकलेगा, फ्रेश होने जब जाओगे, पर रिएक्टेंट को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। इसके लिए आपने क्या किया, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज की, सॉर्टेड, खत्म। आए टेम्परेचर पे, एक था एंडो एक था एक्सो, एंडो में हीट निकलती है तो प्रोडक्ट साइड, सॉरी एक्सो में हीट निकलती है तो प्रोडक्ट साइड, और एंडो में हीट आती है तो रिएक्टेंट साइड। एक्सो में अगर प्रोडक्ट साइड है तो उसको हमें कम करना है, तो कम करने के लिए क्या जाना पड़ेगा, बैकवर्ड, सही है। प्रोडक्ट और एंडो में रिएक्टेंट साइड है तो उसको हमें क्या कम करना है तो किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। तो एक्सो में रिएक्शन जाती है बैकवर्ड और एंडो में जाती है फॉरवर्ड, हमने क्लियर, सिस्टम क्लियर। हमने कहा यहां पे आओ, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में, प्रेशर बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, प्रेशर बढ़ा और नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन में निकाल के देख लेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, कैसे, ये डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला लगा के हम देख लेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। अगर वैल्यू कम हो रही है, समझना, वैल्यू अगर कम हो रही है, जैसे यहां से वो किधर जा रही है, चार से दो की तरफ जा रही है, तो वैल्यू कम हो रही है तो हमें वैल्यू बढ़ानी है, और वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड से डायरेक्शन चलना चालू कर देंगे, और वाइस वर्सा। सेम अगर हमें प्रेशर का समझ में आ गया, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम के केस में हम वही जो प्रेशर में कर रहे हैं सेम उसका उल्टा लगा देंगे,
बिल्कुल सिलिया, बिल्कुल सीधा हिसाब किताब, ठीक है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और तुम्हें वॉल्यूम घटाना है, बिल्कुल सिस्टम सिलियर। अब आप सोचोगे सर अब क्या बचा, अब जो दो बच्चे हैं उनका कोई यूज ही नहीं है। कैसे यूज नहीं है, उनका यूज नहीं है अब है फॉर कैटलिस्ट, ठीक है, एंड फॉर इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। और इनके लिए ना हिसाब किताब बहुत इजी है। क्या हिसाब किताब है इनके लिए, हिसाब किताब ये है नो इफेक्ट। क्या है नो इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट और इनर्ट गैसेस से इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितना डाल दो, आप भर भर के कैटलिस्ट डालो वो काम इसलिए नहीं आता क्योंकि वो रिएक्शन में बस इनिशिएट करने काम आता है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए, अदरवाइज वो रिएक्शन में काम नहीं आता। चाहे इतना सा कैटलिस्ट डालो चाहे इतना सा डालो, कैटलिस्ट हमेशा उतना ही काम करेगा इतना उसका कैपेबिलिटी है, ठीक है। वैसे ही इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती, दैट मींस वो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकती, और जो चीज रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, रिएक्शन के ऊपर, और रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही हो तो बाहर में जाओ, हमें आपसे मतलब नहीं है। तो हमने सारी चीजें आज पढ़ ली बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना, एक्चुअल में टेलीग्राम में कुछ इश्यूज आ रखे हैं, अगर बाई चांस वहां नोट्स ना आए तो इनको बना लेना, अच्छे से नोट कर लेना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज देना अपने सारे नोट्स, ठीक है। मैं तुम्हारे वहां स्टोरी में देख लूंगा क्या क्या है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो करना है भाई, अटेंडेंस लगा गया हूं, पता चल गया कितने लोगों को पसंद आया वीडियो, ठीक है। और अभी ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया ये कमेंट्स में लिख के जरूर जाना, ठीक है। समझ में तो आई, जैसे आज मैंने पढ़ाया है एक नया एग्जाम्पल लेके, लोगों को अच्छा लगा कि लगा तो बस लिख देना सर गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल में मजा आ गया, अगर नहीं मजा आया तो लिख देना सर नहीं अगली बार ना सर गोलगप्पे वाला मत समझाना, तो दूसरे एग्जाम्पल समझाना, ठीक है। जो भी हो लिख देना, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज ओपन टू कमेंट्स, मतलब बेसिकली इट्स लाइक ना आप जो कुछ बताते हो ना वो पता चलता है लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं बताओगे तो अगली बार बताओ, मैं फिर वो एग्जाम्पल अगर बाई चांस दूंगा तो आपको कहते सर फिर गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल मजा नहीं आया, तो बता दिया करो, ठीक है। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर। और अभी जस्ट अपनी 2 घंटे लाइव क्लास होने वाली है, किसकी, नए चैप्टर की 12th के सॉल्यूशन की, जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल।